पे आके देवराज ने अचानक आके यूँ कहा कि तुझे देख लूँगा और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूँगा, तेरी मिट्टी को तेरे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा हल कर दूँगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपने बाप की औलाद हूँ। मैं सत्यदेव सिंह, डिपो होल्डर सुभाष कॉलोनी, यहाँ पे 8 साल से डिपो चला रहा हूँ। मेरे खिलाफ़ किसी भी जनता, किसी भी राशन कार्ड द्वारा, कार्ड धारक द्वारा आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। मैं सबसे प्रेम भाव से जो भी सरकार द्वारा राशन दिया जाता है उसे उचित तरीके से राशन बांटता रहा हूँ। कुछ महीने से हमें किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा, कभी कुछ कभी कोई, तुम्हें फंसवा देंगे, तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें वो करवा देंगे, ना तो हमें राशन वो गेहूँ के कट्टे भिजवाओ, नहीं तो तुम्हें देख लेंगे अच्छी तरह। देवराज यहाँ का अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता भी कहता है और आज तक दबंग कहता है अपने आप को यहाँ पर कि मैं यहाँ का दबंग आदमी हूँ और मेरे से बच नहीं पाओगे, तुम मेरे से अलग जाओगे तो तुम देख लें तुम्हारा सर। तो हम इनकी बातों को काफ़ी दिन से इग्नोर करते रहे। इन्होंने हर तरीके से दबाव डालने की कोशिश करी, कभी राशन बांटते समय लोगों में अपने अराजक तत्व जो भेजने की कोशिश करी ताकि उसमें माहौल ख़राब किया जा सके, ऐसे करने की कोशिश की, माहौल सही ख़राब नहीं हो पाया तो इसने पर्सनली तौर पे CM फ्लाइंग और इधर उधर जाके कंप्लेंट भी करी है। वहाँ से भी उन्होंने मेरी चेकिंग के लिए जैसे भी हिसाब किताब देखा, मशीनों से आजकल पोर्टल से पता चल जाता है कैसा चल रहा है क्या, सारा कुछ सही पाया गया। उसके बाद भी पेशी नहीं बनी तो परसों मेरे को एक भाई ने बुलाया बैठ के कि आओ चाय पीते हैं, तो भाई ने सोचा कि आप इसकी निपटा दें, तो वहाँ पे आके देवराज ने अचानक आके यूँ कहा कि तुझे देख लूँगा और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूँगा, तेरी मिट्टी को तेरे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा हल कर दूँगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपने बाप की औलाद हूँ। सबसे पहले तो स्थानीय पार्षद राकेश गुर्जर जी को बताया, फिर मैंने जाके लिखित रूप में अपने नज़दीकी थाना आदर्श नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, उसको समय भी दिया गया, उसने कहा 11 बजे आके मिलते हैं दिन में, 11 बजे नहीं आया, फिर 1 बजे दिया टाइम, 1 बजे भी नहीं आया, फिर पुलिस वालों ने उसके खिलाफ में नोटिस भेजा, नोटिस में उसने सोमवार का टाइम मांगा। क्या प्रशासन, क्या पुलिस उसके हिसाब से चलेगी क्या? हम अगर ऐसे ही डरते रहे तो आम जनता क्या करेगी? मैंने पुलिस, अपने प्रशासन, अपने अधिकारियों को भी लिखित रूप में सूचना दी है, आज देकर आया हूँ मैं कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना घट रही है, मैंने सारी बातें अपने लिखित रूप में दर्ज कराई हैं। मैं यहाँ के विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अराजक तत्वों पर ध्यान दिया जाए। हम लोग आज तक आपकी छत्रछाया में जैसे भी कोई शिकायत नहीं आने दी, आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन हमें इन लोगों से जान माल की बहुत डर है, कभी भी ये कोई दुर्घटना करा सकते हैं। आदरणीय मूलचंद शर्मा जी से, भाजपा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोग शांति से अपने यहाँ पे लोगों को राशन वितरण, उन वोटों के चक्कर में आता है ये करता है तो हम तो कर देते हैं, क्योंकि हम जो सरकारी आदमी उसमें महकमे से बंधे हुए हैं और हम इस तरीके की कोई कहानी नहीं कर सकते कि किसी पार्टी के साथ जुड़ें या किसी के साथ जाएं, हमें अपने काम से काम। तो कहता है लोगों में तू भड़काता है, तू ये करता है, वो करता है, काफ़ी तरीके की बातें बनाता है, उसके बाद में अब मेरे लोगों को राशन नहीं देते या मेरे लोगों को उनको दिया कर, गरीब आदमी है उनको पहुँचा कर, भाई मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे पास जो सरकार ने दिया है गरीब लोगों को दिया है मैं तो उन्हीं को दूंगा ना, दूसरों को कैसे दे दूँ। ऐसे दबंग लोग अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं और जान से मारने की धमकी सरेआम दे रहे हैं।